जिसमें देखो ब्लू कलर लगा हुआ है ऑलरेडी, ब्लू कलर से ब्राउन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर को यदि ब्राउन को डार्क करना था ब्लू कलर में डाला होता है। अब हम ऑयल पेंटिंग बनाते हैं, बताते हैं सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डार्क कलर, फिर वो पिंक पिंक टोन में वो डिजिटल पेंटिंग, ठीक है, तो इसमें कलर जो है सबसे ज़्यादा डार्क या डेप्थ दिखाई दे उस पार्ट को सबसे पहले करना होता है डार्क। अब देखो इस एरिए में यहाँ पर आप पूरा डार्क, अब मैं जो बना रहा हूँ ब्राउन कलर से बना रहा हूँ वहाँ पर पिंक टाइप का है, सबसे पहले जहाँ जहाँ पर डार्क उस एरिए को डार्क बना सकते हैं। आएगा वैसा भी आएगा पर ये जाएगा इसके ऊपर हम हाईलाइट करें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहला काम हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करें, इधर अब हैंड ये पीछे वाला हाथ को देखो इस वाले हैंड पर जो बैक पेट के उस साइड वाला देखा साइड लाइट का एक होगा यहाँ होगा प्लस लाख तक नहीं लगा थोड़ा रिफ्लेक्शन लगे हम डबल इस वाले को डाकना ऊपर वाले को पहले ठीक है साइड शेडो दे रहे
पान तो करो, पान बता रहे हैं सर। आपको भी कैनवास में बना दीजिएगा, कैनवास दे देगा वो, कैनवास तो करना कर दीजिए सर। लास्ट वाली में दिखा सर, तोड़ दी सर। क्या तोड़ दी? इसका प्रोजेक्ट तोड़ दी। किसका प्रोजेक्ट तोड़ा? मेरा है सर। अरे वो अदिति का है सर। मेरा प्रोजेक्ट था तोड़ दी। तो खुद ने पता था प्रोजेक्ट कौन सा? हम तो अपना प्रोजेक्ट बना के आ जाओ। हम तो अपना प्रोजेक्ट बना के आए। अरे तोड़ी तो बोल रहा हूं, उसको चिपका के उसको तो लाओ ना। पूरे मामा ने कहीं से सर ग्लू है क्या इसमें? सर ग्लू है क्या? क्या चीज इसको क्या दूर निकल गया? ग्लू नहीं एकदम सर। कैनवास एक्स्ट्रा नहीं है सर आपके पास? नहीं सर। उससे पूछे ना दुकान वाला से, तो बोला कि हम दूसरा कैनवास दे देंगे, हम ढूंढेंगे अपने वो। कौन सा करेगा? किसका? तुम्हारा? तुम्हारा क्या? हम है ही नहीं। हाँ मेरा ही है। आपके पास कैनवास है कि फिर मंगवाए सर? क्योंकि वो बोल रहा है ना कोई चश्मा पहनता तो अगर उसको दे दिया। आप किसको ढूंढे दूसरे? राकेश का? हाँ हाँ। ओ लैंटिक छप्पू
दिखाना हमको भी, हमको नहीं दिखाना देख रही थी। अच्छा ये सब तो देखा सारा बनाया हुआ क्या क्या सारा तो अभी ही बनाया था पेंटिंग में देखते रहो जहाँ पे प्योर व्हाइट है वो इस एरिया छोड़ देना।
आपके आप ही बनाया आउटलाइन आप ही बनाया इसको बना रही कलर कर रही सर अच्छा प्योर व्हाइट खाली ब्राउन से देखो ध्यान से कौन किस टाइप का कलर है इनका इनका जो रेड व्हाइट कलर व्हाइट को लाए इनका व्हाइट कलर जो है इसमें व्हाइट डक कर दें हां व्हाइट धागा छोड़ दो धागा इसमें छोड़ दो धागा इसमें छोड़ दो हां इनका मार्क करना सुन लो सर इन आई एस ओ में तो येलो से येलो को थोड़ा दो यहां जहां डार्क है वहां वहां करो यहां लाइट उसको मिक्स करो ये व्हाइट लिया ये ब्राउन लिया ठीक ये टोन लगानी है ये बना लो ठीक इससे डार्क लगानी है थोड़ा सा व्हाइट लगा इससे डार्क वाली हो समझा ना जहाँ डार्क लगानी है जहाँ व्हाइट लगाने वाला करो और हर एक कलर के अलग अलग ब्रश का प्रयोग करो ठीक समझा ना सारे कलर समझे तो कलर प्लेट में बना लिया जाता है वैसे हम तो डायरेक्ट बूट बनवा देते हैं बट आप अलग अलग नहीं समझ पाते कौन सा कलर कहाँ लगाना उसके बाद पैच करो जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है यहाँ पर है ना यहाँ व्हाइट रिफ्लेक्शन यहाँ कलर नहीं लगा रहा ठीक है जो भी व्हाइट वो वाला सर आप कर दिए हाँ बाल यहाँ पे देखे कर दिए उससे रखना है ध्यान दो इधर से इधर सर यहाँ पे कर सर यहाँ पे मैं बहुत
अभी मत कुछ करो, अभी यहाँ लग गया बाद में थोड़ा हार्ड लग गया ना। अभी आपने कलर का ध्यान रखो, सिर्फ लाइट डार्क वाले हिस्से पर ही करना है। अभी मैंने सबसे डार्क कर दिया, अब इस हिस्से ज्यादा हल्का थोड़ा सा हल्का जा रहा है। व्हाइट कलर नहीं लगाओ बेटा, अभी ये मिला कैसे करते हैं? राउंड ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप ब्रश नहीं था। ब्रश इसमें देखो होगा, अभी ये है फ्लैट, निकालो तो बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लू ना हो, कलर साफ रहे। तुम्हारा टोन सब एक ही जैसा जा रहा है, लाइट डार्क हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे तो वैसे ही है। कहाँ वैसे ही है, यहाँ पे देखे तो यहाँ देखो ना, ये देखो डार्क है, जहाँ हम हटा दे रहे वहीं ये वाला पहले काम कर दीजिए, फिंगर्स का ध्यान रखना, फिंगर को ऐसे हाईलाइट करना है, ध्यान देना। कहाँ बॉडी के बाहर चले जा रही है? कान वही खत्म हो गया, थर्ड फिंगर पे, चौथे फिंगर पे आ गए। चलो चलो जो हो गया सो गया, आगे बढ़ो। हाँ हाँ नहीं करो, चलो बाद में करो। ऐसा इसका भी साइड सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखो, दो दो कलर डार्क वाले कलर पर करो, व्हाइट वाला छोड़ दो। अच्छा ये पहले ही कर लेना, ये पहले डार्क। यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है ना, वहाँ प्योर व्हाइट बाद में रहेगा मिक्स करते समय। ये वाला करें यहाँ पे साइड में। हाँ करो, ऑफलाइन किया हुआ देखो आप। एक मिनट तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर, तो हम लोग हमेशा करते हैं कि क्या कर रहे हैं कि पूरा ये इतना वाइट कर रहा है। ये ठीक है आपका से, इतना हाथ अच्छा फ्रीली चलता है मेरे को, इतना हाथ ये ठीक है ना, ये इधर ठीक है ना सर, उसको लाइट Thank you.
छोटे कैसे करते हैं? हां नहीं मैं ऑप्शन है हुआ नीचे में बहुत तरह नहीं आता आता है सर आता है डाउन पेंटिंग है आता आता तो गैप कर देते तुम देखो यार क्लिक करके इसको ऐसे इसका विजुअल बटन दबा दो इसे लैपटॉप पे आता है कभी माउस पे नहीं आता लैपटॉप पे यूज करते हां तो इसमें ऐसे होने का क्यों हां अरे मतलब इतना भी एक्सपेरिमेंट मत कर रहे ना देखो इस प्लस बटन की एक लिमिटेशन है माउस की कोई लिमिटेशन नहीं मिक्स करने के लिए बड़े हेयर का ब्रश उठाते हैं और ऊपर से मिक्स करते हैं किसी भी मिक्स कर लो किसी से कर लो मैं इसी को साफ सुखा देता हूँ मतलब कि आप मिक्स कर रहे हो यहाँ से ना तो ऊपर यहाँ से मिक्स कर कहीं से मिक्स करते हैं तुम्हारे ऊपर एक कौन से बेट करना है यह छोटा लगे छोटे बस को ले लिया फिर उसके बाद कलर लगा हुआ ये दो कलर इस कर एक बार ऐसे ऐसे बस मल्टीप्लाई का ऑप्शन होता है इसको लेकर खींचते चल जाओ तो नीचे से जिस सिंगल में जा रहा है ठीक है जिस सिंगल में जा रहा है सिंगल में आप खींचते चल जाओ अब ये एक बार ले आए ना यदि अब तुम्हें यहाँ से कलर आउट करते यहाँ से स्टार्ट करते नीचे आना ये नहीं अब यहाँ आ गए यहाँ तक कलर आ गए अब इसके नीचे और लाइट आ रहा है इसी को आगे कर रहा है नहीं ऊपर से जाना पड़ेगा नहीं फिर यहाँ से नहीं आना है नीचे से ही आना है तो ये डार्क है ये लाइट है हमने तो ये डार्क को लाइट मिक्स किया मीटर बन गया है ना अरे सुबह यहाँ से कर रहे हैं ये आ गए मीटर बन गया ना अब वापस यदि बीच में दबा दे तो क्या होगा यहाँ वाला लाइट यहाँ जैसे जैसे आगे जाना अब आगे ही बढ़ते जाना आगे ही बढ़ते जाना इसको और लाइट करना अब यदि हमें पीछे डार्क करना है तो फिर से ब्रश को साफ करना क्योंकि इसमें व्हाइट कलर लगा हुआ है ठीक जाकर ब्रश को अब हमें इसके साथ से पीछे जाना है इससे डार्क करना है समझा ना ठीक ऐसा से हमें करना है ब्रश को साफ करते रहिए इसलिए फेदर वाले होते हैं और अब इसको मिक्स करना नहीं तो कलर लगा जाना मिक्स करना और बहुत ही हल्के हाथ सर ये पिंक वाला तो कैसे करेंगे सब पिंक पिंक सब तो पहले तो यहाँ पे लाइट करना पड़ेगा कि वहाँ पे छोड़ देते और जैसा जिसके बॉडी का शेप है ब्रश को उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं उसके बाद क्या उसके बाद छुट्टी थोड़ा साइड में साइड से कर
तो राइट हैंड है तो कह किताब लेके थोड़ा साइड में रहो तो आए कुछ हां बना हम ठीक है इधर हां बोर्ड पर खाली है टाटा पर मेरे चेंज भी दिखाते रहो मेरा सिलेक्ट हुआ था सर कैंसिल को मत मिटा देना सवाल कह रहा था कि अभी से खत्म कर दिया वाइट लाइन के बाद होगा नहीं आ जाएगा सब आ जाएगा ये कल थोड़ा हार्ड है हल्का सा ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर दूसरा कलर चला लो तुम कलर ध्यान से देखो तो वहाँ पे कैसा टोन आप लाने की कोशिश करो यदि कलर कम है तो कलर लगाओ नहीं है कलर कम है हाँ जूम कर दे प्रिया नहीं जो कलर का है बस वही लगा रहा हूँ फिर उसको मिक्स कर रहा हूँ ये किसका है अंदर जीत का था ये है 6623 नहीं वो है 6623 तो 32 होगा ये 3 इन्हीं के सपाटी का है 323 किसी क्लास में नहीं नाम हमको रोल नंबर याद हो जाए वही बड़ी बात है बंद कर दे क्या अंदर का राम सेंटा कलर नहीं है वहाँ ज्यादा ध्यान देना हेलो वहाँ ध्यान देना कलर नहीं है वहाँ ब्रश नहीं साफ कर रही हो मिक्स करने के लिए हमेशा ड्राई ब्रश यूज कर सूखा ब्रश जिसमें कलर ना हो ये जो स्किन टोन आपका है ये हमेशा ह्यूमन बॉडी में काम आता है व्हाइट और ब्राउन और यदि डार्क करना है तो सर ब्लू मिला देते हैं ब्राउन डार्क करता है तीन टोन से हमारा काम है क्योंकि डिजिटल पेंटिंग में आपने येलो कलर यूज किया गया ये ब्राउन में तो हो जाएगा और कितना डीप रहेगा किसी का स्किन डार्क कर दिया तो व्हाइट मिला के उसको मिक्स कर दिया सर ये सबको भी बेच दीजिए पहले बना था ना हाँ तो इतना सारा तो आपके पास बन ही गया क्या चीज़ करना देंगे इस साल नया कर देंगे आटो इससे बाहर लगा हुआ था बाहर का है वही बेस डाल देंगे हम सब वही तो बेस देंगे सारा फ्लिपकार्ट डाल देंगे एक साल चला
तुम कहाँ मिला दी? बेकार कर रही है क्या ऐसे? कहाँ मिला दी? तुम्हारा ध्यान है कहीं? देखिए तो मिला है कहीं, यहाँ क्या बैठे मिला? भैया तुम पिटा देगी जिसका भी हो, मैं तो बहुत सुनाएगा। छूट गई क्या? सर कैनवास खाली है क्या? पता पेंसिल को ध्यान से मिला के कैसा सर मिला दी? ठीक है हाँ, हम सबका लेकर पूरी से मुलाकात करेंगे। सर कैनवास खाली है कि नहीं? उसमें रुको ना, आपको एक बार वेटिंग करेगा। तो सारा ये हाथ पे वाइट कलर नहीं कर सकता, हाइट पे वाइट कलर लाइट कलर है। हाँ लाइट कलर कर दे सर। दोनों लिखे लिखे सर उसमें है ना तो मांगे। अब केमिस्ट्री पे आपके काम नहीं है? नहीं अच्छा तो हो गया। अच्छा किसी किसी का वाक्य आशीष नहीं रहे थे तुम्हें क्लासेस में?
नहीं सर अभी नहीं पेरेंट आर्ट का नहीं फायदा नहीं अब तो थोड़ी आर्ट नहीं सर अभी कंप्लीट किया नहीं